हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर मानव के विकास की गाथा मतलब कहानी के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। पाषाण अर्थात पत्थर का उपयोग आदि मानव ने सर्वप्रथम अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए किया। सर्वप्रथम मतलब पहले पत्थर का उपयोग किया, इसलिए वह समय पाषाण काल कहलाता है। पत्थर के उपयोग में विभिन्न समय में परिवर्तन होते रहे, अतः पाषाण काल को तीन भागों में जाना जाता है। ठीक है, कैसे? नंबर वन, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूर्व मतलब पुराना, मध्य मतलब बीच का और नव मतलब नया। इस एक समय ऐसा था जब मनुष्य वनों में रहता था, उसके पास रहने के लिए घर नहीं थे। वे खुले स्थानों में जानवरों से बचने के लिए पेड़ों का सहारा लेता था। ठीक है, अपनी रक्षा और शिकार के लिए उनके पास हथियार के रूप में केवल पत्थर होते थे। ये जानवरों की तरह समूह बनाकर रहता था। ये लोग जंगली जानवरों के समान शिकार करके मांस को कच्चा ही खा जाते थे। ये लोग आग जलाना नहीं जानते थे, अतः जो कुछ भी इन्हें खाना होता था वे कच्चा ही खाते थे। कहने का मतलब ये है कि शुरू में मनुष्य जो था वह जंगलों में रहता था और उसके पास घर तो था ही नहीं। वह जानवरों से बचने के लिए कभी पेड़ का सहारा ले लेता था, कभी वे अपनी रक्षा करने के लिए केवल उसके पास सिर्फ पत्थर ही हुआ करते थे कि अगर कोई जानवर आ जाए तो वह क्या करेगा, जानवर को कैसे भगाएगा। तो इसीलिए वह जानवरों को भगाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करता था। ये मनुष्य जो था वह जानवरों की तरह ही समूह में मिलकर रहता था और जानवरों की समान ही शिकार करके, जैसे जानवर कच्चा मांस खाते थे ऐसे ही वह भी खा लेता था, क्योंकि उसको आग जलाना तो आता नहीं था। ठीक है, इसलिए वह उसको कच्चा ही खा लेता था। अब देखिए, सेकंड है मानव के विकास की यात्रा। मानव के विकास की यात्रा जो है वो आपको पता होना चाहिए कि 2 करोड़ वर्ष पहले ही मानव की विकास की कहानी शुरू हो गई थी। मनुष्य बंदरों के समान ही अपने हाथों और पैरों पर चलता था और उसमें इस प्रकार से धीरे धीरे परिवर्तन भी हुए। वह पहले पैरों पर झुककर चलने लगा, फिर वह अपने शरीर को धीरे धीरे रखने में सफल हो गया और उसका मस्तिष्क क्षमतावान हो गया, क्योंकि वह अपना काम जो है वह दिमाग से करने लगा। अतः मानव शरीर में विकास की यह प्रक्रिया धीरे धीरे चली, जैसे कि हम इस चित्र के अनुसार देख सकते हैं। देखो, पहले वह घुटने के ऊपर हाथ रखता था, ये देखो पिक्चर में। सेकंड में उसने घुटने पर पहले झुक के रखने लगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा सीधा हुआ, फिर उसने एक पैर थोड़ा सीधा करा, दूसरा पैर टेढ़ा रह गया, फिर उसने दूसरा पैर टेढ़ा करने की कोशिश की, उसके बाद उसने आगे बढ़ा और फिर वह सीधा चलने लगा। और देखो इसका मस्तिष्क भी देखो, ये पहले झुका हुआ था, फिर थोड़ा ऊपर हुआ, फिर उसके बाद ऊपर होता चला गया। ठीक है बेटा, ये है मानव शरीर के विकास की प्रक्रिया। अब हम आगे देखो शारीरिक और मानसिक विकास प्राप्त करने के लिए हुए परिवर्तनों के अनुसार मानव अपने आसपास के परिवर्तनों को समझने लगा। आसपास के परिवर्तनों को वह समझने लगा कि क्या हो रहा है, कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, कब धूप निकल रही है, कभी छाया है। ये वह अपने वातावरण और उपस्थित परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाने लगा कि उसका वातावरण जो है, जहाँ जैसे वह रह रहा है, पूरे दिन में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, मानव अपने भीतर हुए परिवर्तनों के फलस्वरूप अपने हाथ पैर और मस्तिष्क का प्रयोग करना सीखने लगा। वह अपनी क्षमता के अनुसार जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए पत्थरों से नुकीले हथियारों को बनाने लगा, मतलब जमीन पर पत्थरों को घिस घिस कर उसने हथियार बना लिए, जिससे कि वह उसका यूज करना भी शुरू कर दिया उसने कि अगर कोई जानवर आएगा तो वह अपने जानवर से कैसे रक्षा करेगा, पत्थर मार के उसको भगाएगा, दूर से देखेगा अगर कि जानवर आ रहा है तो पत्थर मारेगा तो वह जानवर पीछे हो जाएगा। वह पत्थरों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार औजार भी बनाना लग गया। इन पत्थरों के हथियारों, औजारों और बर्तनों का उपयोग निर्माण द्वारा उस काल के इतिहास का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है।
हथियार बनाए, औजार बनाए, बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाए, ठीक है, आपने देखे थे औजार भी, मैंने पीछे आपको समझाया था। यह काल मानव की आपदा से रक्षा, स्वयं की रक्षा का आभास कराता है कि जब उसको इतनी समस्या आई कि उसको चलना फिरना नहीं आता था, अब उसको वह अपनी रक्षा करना सीख गया था, अतः उसकी कठिनाइयों का इतिहास कहा जा सकता है इस काल को। कौन से काल को? पाषाण काल को। अब है पाषाण काल। अब देखिए पूर्व पाषाण काल में क्या है, जैसे कि हमने पहले बताया है कि मानव आरंभ से ही जंगलों में रहता था, खुले आकाश में रहता था, नदियों के किनारे निवास करता था, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता यह थी कि वह अपना जहां पर रहता था वह अपना जल के किनारे ही निवास करता था, ताकि वह नदियों और झीलों में से मछलियों का शिकार करके अपना भोजन, अपने लिए भोजन जुटा सके, ठीक है। इसके अतिरिक्त वह नदियों के किनारे जंगलों में शिकार करने लगा, ठीक है। वन में उगने वाले कंदमूल, जो भी फूल पत्ते उगते थे या फल उगते थे, वह अपनी भूख मिटाने लगा। कुछ समय बाद मानव गुफाओं में रहने के लिए जानवरों का शिकार करके उनकी गुफाओं और कंदराओं का उपयोग अपने निवास के लिए भी करने लगा। मतलब कि जैसे जानवर अपनी गुफाओं में रहते थे, ऐसे ही वह भी अपनी गुफा बनाकर रहने लगा। इससे वह मौसम से और जानवरों से अपनी सुरक्षा करने लगा। मान लो मौसम है, बारिश हो गई है, धूप है या ठंड है, तो वह कैसे रहेगा, खुले में तो नहीं रह सकता। जैसे जानवर अपनी गुफा बनाते के रहते थे, ऐसे ही मनुष्य भी रहने लगा। वह भोजन की खोज में घूमता रहता था, क्योंकि उसको क्या होता था, क्योंकि वह अनाज और फसल के विषय में तो कुछ जानता ही नहीं था कि कैसे अनाज उगाया जाता है या कैसे फसल का काम किया जाता है, तो इस कारण मानव का कोई स्थायी आवास नहीं था। अब कुछ समय के बाद वह अपना निवास स्थान बदलता रहता था, जगह बदलता रहता था। इसी प्रकार घूमते घूमते मानव पत्थर से आग जलाना भी सीख गया। घूमते घूमते एक जगह पर रहने लगा, दूसरी जगह पर रहने लगा, फिर पत्थरों का इस्तेमाल करने लगा, तो उसने देखा कि एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर मारने पर आग निकलती है, तो इस प्रकार वह आग जलाना सीख गया। और वह अपने जो कंदमूल या कच्चा मांस खाता था, वह उसको भूनकर भी खाने लगा। इसी क्रम से वह पत्थर पर आकृतियां बनाने लगा, पत्थरों की आकृतियां बनाने लगा, मतलब कि वह ड्राइंग करने लगा दीवारों पर। पूर्वकालीन गुफाओं की दीवारों पर ये आकृतियां अब भी प्राप्त होती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पूर्व पाषाण काल पढ़ा दिया है। बेटे अगली लाइव क्लास में आपका होमवर्क ये है कि आपने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पूरा रीड करना है। मैं चैप्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। थैंक यू।